बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू डीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इमिग्रेशन फ्रॉड। दोस्तों रिसेंटली कनाडा में काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेस को पकड़ा जा चुका है जो कि विदाउट कंसर्टेड लाइसेंस के फिजिकल ऑफिसेस रन कर रहे थे छुप कर कनाडा में, और उनके मोस्टली क्लाइंट्स जो थे जिनके वो केसेस प्रोसेस कर रहे थे या तो हैंडल कर रहे थे, वो पाकिस्तान या फिर इंडिया से हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हमारे कंट्री में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कनाडा के एजेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अब उसमें से भी 90% लोग फ्रॉड होते हैं, क्योंकि उनका जो एजेंट कनाडा में बैठा होता है वो खुद भी लाइसेंस्ड नहीं होता, और हमारे लाखों रुपए ऐसे एजेंट्स लेकर या तो भाग जाते हैं या तो काफ़ी बड़ा नुकसान कर देते हैं, और हमें रिफ्यूजल्स का सामना भी करना पड़ता है। तो अब इसे कैसे बचा जाए, कैसे पता लगाया जाए कि रियल एजेंट कौन है या फेक कौन है, और कैसे आप ये देख सकते हो कि ये एजेंट जो जिससे आप काम कराने वाले हो वो जेन्युइन है या तो फिर फ्रॉड है, वो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो। करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीन शेयर बटन होगा उसको दबा दो, बनकर दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि फ्रॉड एजेंट्स कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि आपको इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफर करते हैं, लेकिन उनके पास इस फील्ड के हिसाब से कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और ना ही कनाडा का लाइसेंस्ड होता है। ये आपको झूठ बोलते हैं कि ये इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं। इनके पास कोई भी परमिट नहीं होता वीज़ा अप्लाई करने का या तो क्लाइंट को डील करने का। कैनेडियन लॉ बिल्कुल क्लियर है, आपको हमेशा RCIC मतलब के रेगुलर कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही सेलेक्ट करना चाहिए। फेक एजेंट्स हमेशा आपकी बेस पर ही वीज़ा अप्लाई करेगा, वो हमेशा वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्लाइंट के नाम पर ही ईमेल एड्रेस क्रिएट करता है, और नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल बंदा कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, फीस भरता है, ऐसे ही ये फेक एजेंट्स भी करते हैं। आप ही के नाम पे फेक ईमेल बनाएंगे और आप ही के नाम से अप्लाई करेंगे ताकि कनाडा को ये ना पता चल सके कि मैं एक एजेंट हूँ, या तो फिर ये एजेंट की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। और जो लाइसेंस कंसल्टेंट होते हैं उनके पास अपना एक पोर्टल मौजूद होता है, और वो अपने लाइसेंस्ड की बेस पर ही वीज़ा अप्लाई किया करते हैं अपने क्लाइंट का। अब फेक एजेंट हमेशा दोस्तों आपको यही कहेगा कि वीज़ा मिलने के 90% चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं, इस बार लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस बार वीज़ाज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको काफ़ी मतलब हवा में बात करेगा। लेकिन लाइसेंस्ड एजेंट जो होता है दोस्तों, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यही कहेगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके चांसेस तो हैं, लेकिन रिजेक्शन भी आ सकती है। और लाइसेंस कंसल्टेंट को सबसे अच्छा तरीका जो वेरीफाई करने का है वो है लाइसेंस नंबर। आप कोशिश करो कि जब भी आप किसी एजेंट से बात करो आप उससे उसका लाइसेंस नंबर ज़रूर लो, और वही लाइसेंस नंबर आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे RCIC की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही वो आप नंबर एंटर करोगे, उस बंदे का नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, उसने कब कनाडा से जो है वो लाइसेंस लिया था, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसका एड्रेस तक वहाँ पर मैंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही लाइसेंस कंसल्टेंट जो होता है दोस्तों, हमेशा वो हर साल एक पेपर देता है जिसके अंदर उसका क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही वो इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफर कर सकता है रेगुलर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप लाइसेंस कंसल्टेंट से काम करवाते हो, वो हमेशा जेन्युइन होता है और उसको सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। जो फेक एजेंट होता है वो सिर्फ हवा में बात करता है, उसको सारी चीज़ों का नहीं मालूम होता, यहाँ तक कि कितनी चीज़ें वो ऐसी बता रहा होता है जो कि इम्पॉसिबल होती है। कोई भी लाइसेंस कंसल्टेंट आपको 100% वीज़ा नहीं दिलवा सकता, यहाँ तक कि फेक एजेंट्स आपको काफ़ी वादे करते हैं कि आप 100% आपको वीज़ा मिलेगा, आप फीस बाद में दे देना, ये कर लेना, लेकिन वो आपके रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो दिलवाते रहेंगे और आपका पैसा ज़ाया होता रहेगा। जब भी उनके बोलने के ऊपर आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा लग गया,
तो वो आपका जो PPR होगा वो अपनी हर जगह के ऊपर दिखाएगा कि मेरी बेस पे अप्लाई हुआ था और देखो इसे वीजा मिल गया है। मतलब ये लोग इस तरीके से ही काम करते हैं और ऐसे ही क्लाइंट्स को ढूंढते हैं और फंसाते हैं। काफी एजेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि पैसे लेके भाग भी जाते हैं, और ये ज्यादातर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज करते रहते हैं। यहाँ तक कि लाइसेंस कंसल्टेंट ऐसा नहीं करता, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्लाइंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।